बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। A1 पकवान चैनल की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लैक चनों का सालन, जो बहुत ही मज़े का और टेस्टी हम बनाएंगे। मैंने पहले भी ये रेसिपी दी हुई है, दोनों में इंग्रेडिएंट्स एक जैसे हैं लेकिन तरीके लहजा लहजा हैं, तो इनका जायका भी अलग है। दोनों ही बहुत मज़े के बनते हैं। तो व्यूअर्स, 2 घंटे पहले मैंने चनों को भिगो के रख लिया था। ये 1/2 kg मैंने चने लिए हैं, साथ में अदरक लहसुन, ये 3 अदद मैंने प्याज लिए, 3 सब्ज़ मिर्चें, 2 अदद टमाटर लिए, इनको मैंने कटिंग कर ली। अब सभी हम ग्राइंडर जग में डाल देंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। बस ये तरीके बहुत ही मज़े के हैं, दोनों तरीके डिफरेंट हैं लेकिन चीज़ें इनमें सेम ही डलती हैं, तो डिफरेंट तरीके से पकाने से इनका जायका भी डिफरेंट है लेकिन बहुत टेस्टी है दोनों का। आप प्लीज़ इनको ज़रूर बनाइएगा। तो बस अब हम जो है चने डाल देंगे अपने प्रेशर में, तो साथ में ये 1/2 कप दही इसमें ऐड कर देंगे, 1 खाने का चम्मच सब रेड मिर्च, 1/2 चम्मच सूखा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच हल्दी। और भी बस ये सारा जो है मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। नमक मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाला था, वो इसकी वीडियो स्किप हो गई है, तो 4 जो है हम ग्लास इसमें पानी ऐड कर देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगा देंगे। तो इसमें मैंने 1 कप मैंने घी डाल दिया है, तो आप ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखें, मज़ेदार से हमारे ब्लैक चने तैयार हो गए, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये जो हमारा सूप है और थिक हो जाए। तो इसमें मैंने मिक्स मसाला ऐड कर दिया, 5 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के हमारे चने तैयार होंगे। आप बाज़ार वाले चने को भी भूल जाएंगे। तो बस ये देखें हमारे जो इसके चनों की फाइनल लुक, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है लेकिन इसका जायका बहुत मज़े का। तो बस अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है और हमारा जज्बा बढ़ता है कि हम आपके लिए अच्छा अच्छा काम करें। तो अल्लाह हाफिज़।